मध्य प्रदेश में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू कर दी गई है। इससे मध्य प्रदेश का मजदूर देश के 19 राज्यों में कहीं से भी राशन प्राप्त कर सकेगा। प्रदेश की लगभग 25,000 राशन दुकानें इससे जुड़ चुकी हैं। ये जानकारी प्रदेश के गृह और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भोपाल में दी। वहीं कोरोना को लेकर उन्होंने कहा, प्रदेश का कोरोना रिकवरी रेट बढ़कर 68% से ज्यादा हो चुका है। वहीं शराब दुकानों को लेकर उन्होंने कहा, सरकार ने शराब की दुकानों को खोल दिया है, जल्द ही छोटे टेंडर निकाल दिए जाएंगे। कोरोना के 211 केस नए आए और 193 डिस्चार्ज हुए। सैंपल हमारे 6,829 की मैंने ये आपको डिटेल दी है। अब कुल मध्य प्रदेश में एक्टिव केस 2,700 ही बचे हैं। रिकवरी रेट हिंदुस्तान में 68.3 मध्य प्रदेश की हो गई है। हमने होमगार्ड के जवानों को दुकानों पर बिठा दिया है, आबकारी विभाग के लोगों को बिठा दिया है और हम आउटसोर्स से भी कर्मचारी लेंगे। आउटसोर्स से हाथ में कागज थे, आउटसोर्स से भी हम कर्मचारियों को लेंगे और कल हम विज्ञप्ति निकाल देंगे शॉर्ट टर्म की, तो 2-3 दिन में ही हमारे शॉर्ट टर्म के टेंडर हो जाएं, जैसा मैंने कल बता दिया था। 7-7 दिन के दें हम या 14 दिन का दें, पॉलिसी हमारी लगभग बन के तैयार है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो वन नेशन वन राशन ये योजना है, उसमें मध्य प्रदेश अग्रणी भूमिका निभाते हुए आज उसको मध्य प्रदेश में लागू किया। आज मध्य प्रदेश की 25,000 राशन की दुकानें ऑटो मोड पे आ चुकी हैं। ठीक, खास बात यह है कि हमारे मध्य प्रदेश का मजदूर, अभी इसमें 19 हिंदुस्तान के प्रदेश शामिल किए हैं, पर मध्य प्रदेश का मजदूर कहीं भी जाएगा या इन 19 प्रदेशों का कोई भी मजदूर मध्य प्रदेश में आएगा तो वन नेशन वन राशन के तहत वो कहीं भी राशन ले सकते।